हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। डिजी फ्लेमर सिनेमा में आप लोगों का स्वागत है। तूने जिसका हाथ पकड़ रखा है वो जुबैर की मोहब्बत है। मुंबई का किंग कौन? रिकू मात्रे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मनोज बाजपेयी जी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में, जो आप शायद जानते होंगे या नहीं भी। सत्य का भिक्खू मात्रे, फैमिली मैन के श्रीकांत तिवारी, ये सुनकर तो आपको पता ही चला हम किसकी बात कर रहे हैं। बॉलीवुड के सबसे वर्सेटाइल टैलेंटेड एक्टर, मेथड आर्टिस्ट पद्मश्री मनोज बाजपेयी जी, जिन्होंने आज इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बनाया है। वह अपने एक्टिंग और अपने परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। हम आपके लिए मनोज बाजपेयी के बारे में अननोन फैक्ट्स बताने जा रहे हैं, जो शायद ही आपको पता होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मनोज बाजपेयी का जन्म 23 अप्रैल 1969 को बिहार के बेलवा नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। मनोज के पिता राधाकांत बाजपेयी एक किसान थे और उनकी मां एक गृहिणी थी। मनोज बाजपेयी का नाम आइकन मनोज कुमार के नाम पर रखा गया था। आर्थिक तंगी के चलते मनोज ने कक्षा 4 तक झोपड़ी में साधारण पढ़ाई की। छुट्टियों में वह घर लौटकर पिता के साथ खेतों में हाथ बटाते थे। उन्होंने बेलवा में स्कूली शिक्षा पूरी की और बाद में अभिनय के करियर बनाने के लिए 17 साल की उम्र में दिल्ली चले गए। उन्होंने आरक्षण बिना रिजर्वेशन के दिल्ली की यात्रा की। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान उनके पिता उन्हें 200 रुपया महीना भेजते थे और उसी से उनका गुजारा होता था। उन्होंने सबसे पहले NSD के बारे में नसरुद्दीन शाह से सुना और तभी से इसमें शामिल होने का सपना देखा। NSD ने उनके एप्लीकेशन को 4 बार रिजेक्ट कर दिया गया था, जिससे वे आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो गए थे। NSD का मतलब होता है दोस्तों, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यानी कि एक तरह से सोचा जाए तो एक एक्टिंग का एक बहुत बड़ा महाविद्यालय है, यूनिवर्सिटी कह सकते हो आप, जो दिल्ली में है। रामजस और हिंदू कॉलेज में अपने अंग्रेजी और हिंदी डिक्शन पर काम करने के लिए एक्टिव थे। अपने कॉलेज के दौरान वह परीक्षाओं से एक महीने पहले ही पढ़ते थे। मनोज बाजपेयी ने 4 साल तक सेमी क्लासिकल डांस को सीखा है। NSD में अपने चौथे अटेम्प्ट में उन्हें आर्ट सिखाने के लिए एक पद की पेशकश की गई। मनोज बैरी जॉन को अपना गुरु और हर चीज का मार्गदर्शक मानते थे। मनोज ने दिल्ली की एक लड़की से शादी की, लेकिन अपने स्ट्रगल के दौरान जल्द ही अलग हो गए। बाद में 2006 में उन्होंने करीब फेम की फिल्म अभिनेत्री शबाना से दोबारा शादी की। अपने संघर्ष के दिनों में दौड़, तमन्ना, दस्तक आदि फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए। राम गोपाल वर्मा की फिल्म सत्या उनके करियर की बड़ी सक्सेस थी। सत्या के बाद मनोज बाजपेयी को अक्स, कौन, जुबैदा, LOC, कारगिल, वीर जारा, राजनीति, गैंग्स ऑफ वासेपुर, सरकार त्री और सत्याग्रह फिल्मों और फैमिली मैन जैसी वेब सीरीज के लिए उन्हें एक्टिंग के अप्रिशिएट किया गया। मनोज बाजपेयी अपने लुक्स को लेकर कॉम्प्लेक्स है और मेकअप करवाते समय कभी भी आईना नहीं देखते हैं। मनोज बाजपेयी ने कई पुरस्कार जीते। फिल्म सत्या में उनके परफॉर्मेंस के लिए जिनमें सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ महानायक अभिनेता, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड, फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। 1999 में फिल्म शूल के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड, फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस मिला और पिंजर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी कि नेशनल अवार्ड, विशेष जूरी पुरस्कार, पिंजर के लिए विशेष उल्लेख स्पेशल जूरी अवार्ड, स्पेशल मेंशन मिला। फिल्म भोसले के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। कला में अपने योगदान के लिए उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आपको मनोज बाजपेयी की कौन सी फिल्म का रोल पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप और कौन से एक्टर के बारे में और जानना चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं, तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और आपको इसके बारे में क्या समझ आया थोड़ा सा कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।